बच्चों को सरप्राइज देने में बड़ा मजा आता है और चॉकलेट से अच्छा सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आज हम बनाएंगे क्रंची चोको कुकीज। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक वो तो आप कर ही दोगे, बट फिर भी याद दिला रही हूँ। ये मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिए है, आप कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। इसके लिए मैंने इसका एक बार ले लिया है, ये 100 ग्राम है। आप एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसे थोड़ा गर्म होने दीजिए, उसमें एक बाउल रख लेंगे हम और इसके अंदर हम ये चॉकलेट डालेंगे। लेकिन आपको ये चॉकलेट पूरी नहीं डालनी, आपको इसके थोड़े से पीसेस कट करके ऐड करना है। ये मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं और ये मैंने इसके अंदर डाल दिए सारे। अभी हम इसे मेल्ट करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट होने लग गई है। ये देखिए हमारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो गई है। इसमें अब हम बटर डालेंगे, ये येलो बटर ही है। हम इसमें अनसॉल्टेड बटर नहीं डालेंगे क्योंकि ये कुकीज बनेंगी, तो इसलिए हम इसमें येलो बटर, मतलब नॉर्मल जो अमूल बटर होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बटर हम ऑलवेज शाइनिंग के लिए डालते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देखिए इसमें शाइन आनी स्टार्ट हो गई है। अब ये मेल्ट होगा तो हमारी चॉकलेट में शाइन आ जाएगी। ये देखिए हमारा मेल्ट हो गया है, हमें इतना ही मेल्ट करना है, इसको पूरा मेल्ट नहीं करना है। इसमें हम 2 टेबलस्पून पीनट बटर ऐड करेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे पीनट बटर को चॉकलेट के साथ। ये देखिए पीनट बटर डालते ही इसमें एक अच्छी सी शाइन आने लग गई है। ये देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसीलिए मैंने इसको अपने उस पैन में पूरा मेल्ट नहीं किया था। पीनट बटर ऐड करते ही देखिए अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसमें हम अपने ये कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 कटोरी। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, इसके ऊपर क्या करेंगे हम एक स्पून से इसको फिल करेंगे, भरेंगे अपने पेस्ट को और इसको इसके अंदर ऐसे रख देंगे, जैसे कुकीज होती है ना उस तरीके से। ये देखिए मैंने ये सारे ऐसे बना लिए हैं और इसके ऊपर मैं ये 2-3 सिल्वर बॉल्स रख दूंगी। आप चाहें तो इस पे काजू रख सकते हैं, आप चाहें पिस्ता रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए मैंने सिल्वर बॉल्स इसके ऊपर लगा दी हैं। अब इसको हम फ्रीज करेंगे 15 से 20 मिनट। देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं ना ये कुकीज। लग रही है ना सुंदर और क्रंची ये चॉकलेट कुकीज। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेडी हो जाती हैं। अब आप भी इन्हें फटाफट बनाओ और खाओ।